बेटा आपका चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली देखो अभी फर्क क्या आ जाएगा, इससे पहले जो हमने बुक पढ़ी थी बेटा उसका नाम था यहाँ पे पार्टनरशिप, इलेवेंथ के अंदर से स्टार्ट होती है बेटा। ये ना एक अकाउंटिंग पूरी की पूरी प्रोसेस है, जो आपने पहली लाइन पढ़ी होगी इलेवेंथ अकाउंट स्टार्ट करते टाइम, तो सबसे पहली डेफिनेशन आई होगी और ये लाइन आएगी अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस ऑफ, यानी प्रोसेस क्यों है बेटा। इलेवेंथ के अंदर हमने सबसे पहले जो बुक पढ़ी थी उसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या पढ़ा हमने उसके अंदर, सोल का मतलब होता है इंडिविजुअल या एक सिंगल पर्सन के बारे में। तो ये आपकी ना स्टार्टिंग 11 से हो जाती है। आपको सिर्फ क्या बताया गया कि अगर हमें एक पर्सन का अकाउंट मेंटेन करना है किसी एक कंपनी का, एक बेसिकली एक होगा वो, ठीक है, बहुत सारे नहीं होंगे। उसके बाद बेटा जैसे ही आप 12th के अंदर आए, ठीक है, जो कि कईयों को लग ही नहीं रहा था फिर भी आए, अब बेसिक क्या हुआ बेटा यहाँ पे आके आपकी क्या स्टार्ट हो गई बेटा, यहाँ पे पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। अब पार्टनरशिप बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ी, देखो मैक्स टू मैक्स आपने दो पार्टनर, तीन पार्टनर, किसी किसी क्वेश्चन में चार पार्टनर, पांच पार्टनर वाला क्वेश्चन भी आपने अभी तक नहीं करा। यानी कि सर पार्टनरशिप क्या होती है, डेफिनेशन ही क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू पर्संस, वो चार हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी फर्म है, फिर वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वो अलग अलग चला जाता है। अब जो हम करने जा रहे हैं बेटा वो क्या हो गया है, यहाँ पे कंपनी आ जाती है, यहाँ क्या आ जाता है अब आपका कंपनी, यानी अब उससे अगला लेवल आ गया। सर पहले एक के बारे में पढ़ा, फिर दो चार के बारे में पढ़ा, पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी किसको मिलकर बनती है, पूरे के पूरे ग्रुप को, ठीक है। अब इसमें ना कंडीशंस होती हैं, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, उसके अंदर भी बहुत सारी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड में क्या है वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको डिफरेंस समझ आ गया कि अब यहाँ पे आके डिफरेंस क्या आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इन दोनों के कंपैरिजन में इजी चैप्टर हो जाएगा अगर आप इसकी कोई भी सिंगल क्लास कराने के बाद घर पे जाके मिस नहीं करोगे, तो हैंड टू हैंड कर लोगे, ये सारा चैप्टर टिप्स पे होगा और सबसे कम टाइम में निकलने वाला क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। और आना इक्विवेलेंट उसके ही है, वो भी 6 मार्क्स के आने एडमिशन रिटायरमेंट, और ये वाला भी कितने मार्क्स का आएगा आपका, 6 मार्क्स का ही आएगा। साथ साथ चलोगे 4-5 दिन में ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ हमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अब पहले हम समझते हैं सर इश्यू ऑफ शेयर्स, बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कंपनी को सर सबसे पहले जो चाहिए होता है, हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, कंपनी खुल गई है, अब हमें इसके अंदर सर सबसे पहले जो चाहिए होगा सर वो चाहिए होगा क्या, कैपिटल। क्या चाहिए सर हमें यहाँ पे, ठीक है, जिसे आप अपनी शुद्ध देसी लैंग्वेज में क्या बोलोगे सर, पैसा। अब कंपनी को चाहिए जी यहाँ पे आके पैसा, तो कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी। सपोज करो बेटा जितनी भी दुनिया में कंपनी चल रही है, रिलायंस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, क्या सारा का सारा पैसा उनका है, सर ऐसा तो नहीं होता। बेसिकली कंपनी उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए क्या करती है सर, कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में, क्या इशू करती है। अब अगर हम इस शेयर की बात करें बेटा यहाँ पे, तो शेयर्स का मतलब ही क्या है, शेयर का मतलब हो गया आप एक तरीके से किसी को अपनी हिस्सेदारी दे रहे हो, शेयर का हिंदी मतलब क्या होता है, हिस्सा, ठीक है। यानी आप अपनी कंपनी का हिस्सा किसी और को बेच रहे हो, जिससे कि आप उसके बदले में उससे पैसे ले रहे हो। अब इसके अंदर बेटा जो हमें नोटिस करने वाले कुछ पॉइंट्स आएंगे ना, वो पॉइंट्स क्या आएंगे वो समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए बी सी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, इसको बेटा कंपनी ने स्टार्ट किया और इसको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो है 2 लाख रुपए, छोटा अमाउंट लेके चलूंगा अभी, और जो मैक्सिमम ये मंगवा सकती है बाहर से वो कितना है यहां पे, 50 लाख, क्योंकि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। इसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किस तरीके की कंपनीज होती हैं। 3 कंपनीज शेयर मार्केट के अंदर डिफाइन होती हैं, एक होती है सर स्मॉल कैप, दूसरी होती है सर मिड कैप, तीसरी होती है सर लार्ज कैप। अब सर ये तीनों चीजें होती क्या हैं? स्मॉल कैप का मतलब हो गया बेटा छोटी, कैप यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है ना होता है कैपिटल के लिए, यानी जिसमें पूंजी कम लगी हुई है वो स्मॉल कैप में आती है, जिसमें पूंजी ठीक ठाक सी लगी हुई है वो मिड कैप में आती है। रिलायंस हो गया, TCS हो गया, टाटा हो गया, ये सब किस में आती है, हमारी लार्ज कैप इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल का अमाउंट क्या लगा हुआ है सर, बहुत ज्यादा लगा हुआ है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे दो चीजें कि सर एक ABC लिमिटेड कंपनी है, इसे 2 लाख रुपए के क्या चाहिए, 2 लाख रुपए का टोटल अमाउंट अभी चाहिए। मैक्सिमम ये कितने दे सकता है सर, 50 लाख के शेयर्स मार्केट में इशू कर सकता है।
तो बेटा ये जो मैक्सिमम इश्यू कर सकता है ना, इसको बोला जाता है इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं हम इसको, इसकी? अब ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? हमारा जो ये कंपनी पढ़ने का रीजन है बेटा, इसके अंदर जो एक्ट यूज होता है वो होता है हमारा कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली, कंपनी रूल के अकॉर्डिंगली कुछ रूल रेगुलेशंस बनी हुई है कि इतने लेवल की कंपनी है तो मार्केट से वो इतना ही पैसा उठा सकती है, इससे ज्यादा पैसा वो मार्केट से नहीं ले सकती। वरना तो आप कंपनी खोल लो, मार्केट से पैसे उठा लो और कंपनी बन करके भाग जाओ, इजी हो जाएगा ना बहुत पैसा कमाना। लेकिन कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप पैसा ले सकते हो मार्केट से कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका बिजनेस किस तरीके का है। अब मान लो कि इसके पास जो 50 लाख की क्या थी, ऑथराइज कैपिटल थी। ऑथराइज कैपिटल का मतलब सर मैक्सिमम कैपिटल विच कैन कंपनी टेकन फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, यानी बाहर से जो पैसा उठा सकती है। अब इसने क्या करा सर, अभी इसको रिक्वायरमेंट कितने की है सर, 2 लाख की। सपोज करो, खुद ही बता दोगे आंसर कि कंपनी का ईच शेयर जो है, ईच शेयर जो है बेटा वो ₹10 ईच का है। कितने का है वो? ₹10 का एक शेयर है। तो उसे 2 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं तो उसे कितने हजार शेयर मार्केट में इशू करने पड़ेंगे? 20,000। कैसे? जिसको नहीं समझ आए, सर 2 लाख रुपए कंपनी ने लेने हैं और ₹10 का उसका एक शेयर है, उसने इसको भाग करा, तो अगर वो मार्केट के अंदर 20,000 शेयर्स मांगती है, बेचती है या अलॉट करती है, वो आगे समझेंगे एक एक करके क्या है, तो उसके पास कितने रुपए आ जाएंगे सर? यहाँ पे 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो टर्म समझाने का मतलब था वो क्या है सर, ऑथराइज कैपिटल की मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं। अब इसके अंदर बेटा ना 3 चीजें आएंगी, ध्यान से सुनना आप जो मैं बता रहा हूं, सुनना आप यहां पे। अ कंपनी इश्यूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल इज 50 लाख। इसमें ना हमें 3-4 बेसिक टर्म समझने हैं पहले कि होते क्या है। सबसे पहले सर एक आया हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल, वो कितना हो गया सर? 50 लाख। उसके बाद अगला जो आएगा सर वो आएगा हमारा इश्यूड कैपिटल। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलूं, मैं मैक्सिमम कितना मंगा सकता हूं सर? 50 लाख। लेकिन मैंने अभी तक इश्यू कितने करे हैं? सिर्फ 20,000, यानी ×10 2 लाख रुपए। तो मैं इश्यू कितना कर रहा हूं सर अभी? सिर्फ 2 लाख रुपए का। दोनों टर्म समझ आ गए क्या? ऑथराइज मतलब जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूं, इश्यू मतलब जो उसमें से मैंने अभी किया है। लेकिन बेटा आप खुद सोचो, एक इस तरीके से एग्जांपल समझो कि चलो मैंने 20,000 शेयर्स इशू कर दिए, तो क्या जरूरी है कि जब मैं मार्केट में इशू 20,000 को लेने के लिए मार्केट में बंदे खड़े हों? जरूरी तो नहीं है ना। तो मेरी कंपनी की वैल्यू क्या है, अच्छी है बुरी है, नहीं लेना चाहता बंदा तो जबरदस्ती तो नहीं बेच के आओगे वहां पे। अब सपोज करो बेटा इसके अंदर से हमने यहाँ पे अमाउंट लिखा 20,000 शेयर इंटू में 10, लेकिन 20,000 की जगह सिर्फ 15,000 शेयर्स ही लिए लोगों ने ₹10 के हिसाब से, तो मेरे पास जो अमाउंट निकल के आया वो कितना आया सिर्फ अभी? इस वाले कैपिटल को बोला जाता है बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं हम इसको? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब इसको ऐसे समझना, और अलग एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब यहां हुआ क्या बेटा कि एक यूनिवर्सिटी है, या सपोज करो हम अपना इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, इंस्टीट्यूट को ही लेते हैं, इंस्पायर है। मैंने बोला कि 12th क्लास के अंदर मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की सीट अलॉट कर सकता हूं या दे सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास ऑथराइज कितना हो गया? 50 सीट्स हो गई मेरे पास, 50 स्टूडेंट्स की सीट जो हो गई ये किसके अंदर आ गई सर? मेरी ऑथराइज्ड के अंदर आ गई। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं यार 50 जने जो होते हैं ना वो मैक्सिमम हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, मैं 50 नहीं करूंगा, मैं इस बार ना सिर्फ 40 बच्चों को ही बुलाता हूं। तो मैंने सीट्स इशू कितनी करी उसमें से? सिर्फ 40 करी ना, वो मैंने इशू करी है। हो सकता है, अब दो कंडीशन आती है सर, इस 40 की जगह सिर्फ
30 ही आए, हो सकता है सर 40 की जगह वो जो होगा बेसिकली क्या हो जाएगा सर मेरा। अब आपके माइंड में आएगा सर कम आएगा तो समझ आता है, ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, अभी फर्दर पढ़ेंगे हम। इसे अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, अभी बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। अभी आज का जो टॉपिक है, अभी प्रेजेंट का टॉपिक है, सिर्फ तीन चीजें समझनी है, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। यहां तक समझ आ गई ये चीज, कोई दिक्कत किसी को भाई? सब्सक्राइब का मतलब भैया कितनी सीट्स के लिए अलॉट करा आपने, अब समझ आ गई भाई यहां तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। इसके अंदर जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, यहां पे शेयर्स की, तो शेयर्स के अंदर ना एक चीज होती है जिसको बोला जाता है क्या, इश्यूड प्राइस। क्या बोलते हैं हम इसको, इश्यू प्राइस बोलते हैं। अब जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि हमने 20,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से करे तो 10 रुपए क्या था इसका प्राइस था। अब यहां पे ना दो तीन चीजें समझा रहा हूं, उसको बहुत बेसिकली समझना। एक शेयर की ना दो चीजें होती हैं, एक होती है सर उसकी नॉमिनल वैल्यू और सर एक होती है उसकी फेस वैल्यू। दोनों लगभग सेम ही होंगी हर क्वेश्चन के अंदर। मान लो ये मैंने कितने में दिया था, 10 रुपए में ना, तो 10 रुपए क्या है बेटा, उस शेयर की एक फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है कि इतने में वो शेयर कंपनी ने मार्केट में निकाला था। ठीक है, अब होता क्या है कि कई बार कंपनी एज पर देयर कंडीशन, जो उसकी कंडीशन मार्केट में चल रही है, उसने क्या कहा कि अब जो मैं फर्दर शेयर इश्यू करूंगी वो 10 जमा 2 रुपए प्रीमियम के साथ करूंगी। किसके साथ करूंगी, 10 जमा 2 रुपए प्रीमियम के साथ, यानी कितने में करूंगी इशू, 12 रुपए में करूंगी, क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी चल रही है, उसे बताया भैया मार्केट में मेरे शेयर की डिमांड है, लोग खरीदने के लिए बैठे हैं। तो इसे बोला जाता है बेटा इश्यूड एट प्रीमियम। ठीक है, अब कई बार क्या चल रहा है भैया, कंडीशन अभी सही नहीं चल रही, तो कंपनी उल्टा भी सोचती है कि भाई अभी बहुत दिक्कत में चल रहे हैं, हम क्या करते हैं, ये जो 10 रुपए वाला शेयर है इसमें से 2 रुपए का क्या दे देते हैं हम, और हम कितने में इश्यू कर देंगे, 8 रुपए में। तो इस तरीके की प्रोसेस को जो बोला जाता है बेटा, ये बोला जाता है इश्यूड एट डिस्काउंट। ये चीज समझ आ गई? अब सर दो कंडीशन तो आपने बता दी कि 10 रुपए की चीज 12 में बेची, और एक कंडीशन आपने बता दी 10 रुपए की चीज उसने 8 में बेची। सर कभी तो ऐसा होगा, वो भी अपनी जुबान का पक्का होगा कि 10 की चीज कितने में बेच रहा है, ये भी तो होगा ना, एक कंडीशन ये भी बनेगी, या तो ज्यादा में बिकेगा या कम में बिकेगा, जितना है उतने में बिकेगा। इस वाली कंडीशन को बोला जाता है बेटा एट पार। क्या बोलते हैं हम इसको, यहां तक समझ आ गई तीन चीजें? तो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तीन चीजें हो गई। लेकिन बेटा इसके अंदर ये जो डिस्काउंट वाला टॉपिक है, अब 2013 एक्ट आने के बाद से डिस्काउंट पे इशू करना क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, इसलिए इसके क्वेश्चंस भी अब आपको नहीं करने। दो कंडीशन बचती हैं, एट पार और एट, यहां तक का बेसिक क्लियर क्या बताया अभी? चलो अब बेसिकली हम आते हैं अगले टॉपिक पे इसके। वो टॉपिक क्या है सर, प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। यानी कि सर जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो कोई प्रोसेस होती होगी, उसकी प्रोसेस क्या बेटा, इसके ना मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं इसके। अभी 10 मिनट के लिए मान के चलो, ठीक है, कि हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, वैसे तो 12 से ही मान के चल रहे हो, अब मान के चलो फिलहाल के लिए 10 मिनट से कि आप अभी अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे। हम एक सिंपल बात करते हैं, उसका आंसर खुद देने की कोशिश करना। भैया इन दोनों के बीच में हमें ना एक कार खरीदनी है, क्या खरीदनी है सर, और उस कार के जो प्राइस है सर वो कितने हैं, 10 लाख रुपए हैं। कितने रुपए की गाड़ी आएगी वो, 10 लाख रुपए की आएगी सर। उसको खरीदने के लिए सर जो नॉर्मल मेथड मेरे पास है, एक मेथड है सर मेरे पास लमसम। लमसम का मतलब होता है बेटा एक साथ, मतलब सारी की सारी जो पेमेंट है वो मैं क्या करूंगा सर, एक साथ पे कर दूंगा। ठीक है, और दूसरा मेथड सर मेरा आता है, वो आता है मेरा इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड आएगा सर,
अब पहले ना हम इसकी एंट्री करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स भूल जाओ, हम इसकी एंट्री करते हैं। सर मैं गया, मेरे को गाड़ी खरीदनी थी, तो मैं गाड़ी वाले के पास गया, मैं कहता हूँ भैया मैं गाड़ी के पैसे दूंगा आपको और आप मेरे को क्या दे देना, गाड़ी दे देना। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, पहले जब आप गाड़ी देने जाओगे ना तो गाड़ी तैयार नहीं खड़ी होती आपके लिए, आप जाओगे और ले आओगे, आप उसको जाओगे एक फॉर्म सबमिट करके देके आओगे, एक थोड़ा सा अमाउंट आप उसे पे करके आते हो, फिर दो चार दिन का वो टाइम लेगा क्योंकि गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर करानी पड़ेगी उसे, फिर वो आपको गाड़ी दे देगा, है ना। लमसम में भी दो चार दिन लग जाते हैं गाड़ी को खरीद के लाने में। अब सपोज करो जब आपने बेटा यहाँ पे गाड़ी करी, ठीक है, उससे दी, अब हम एंट्री किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कंपनी के हिसाब से, तो कंपनी के पास पैसा आएगा या जाएगा, आएगा ना, क्योंकि मैं जब गाड़ी लेने जाऊंगा तो मैं उसे पैसा दूंगा, तो मैं अपनी एंट्री नहीं कर रहा, मैं किसकी एंट्री कर रहा हूँ, उसको तो आ रहा है ना पैसा, आप उसके हिसाब से सोचो कंपनी के हिसाब से। सर उसके पास पैसा आया तो उसने एंट्री क्या कर दी सर, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, उसके पास से गई क्या सर कार, उसने एंट्री कर दी यहाँ पे, तो यानी कि सर पहली एंट्री के अंदर कंपनी के पास पैसा आता है और उसके पास से सामान चला जाता है। लेकिन सपोज करो यहाँ पे अभी 10 लाख में से मैं उसको कितने रुपए देके आया था, सिर्फ वो जो 2 लाख रुपए थे बेटा, ये जो 2 लाख रुपए थे ये थे इसकी कौन सी पेमेंट, डाउन पेमेंट कह लो, या कह सकते हो इसको डाउन पेमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लमसम में ले रहे हैं, इसको बोलते हैं हम बेसिकली बुकिंग अमाउंट, क्या बोलेंगे हम इसको, कि हमने गाड़ी बुक कर दी, ठीक है। अब गाड़ी तो बुक हो गई, उसमें से मैं देखे कितने आया उसके पास, 2 लाख रुपए देके आऊ ना, बाकी के मैं 8 लाख रुपए उसे बाद में दूंगा और वो मेरे को गाड़ी दे देगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस समझाइए ना, जिस दिन भी वो गाड़ी देगा, मान लो उसने मेरे को कितने दिन बाद गाड़ी दी बेटा, आफ्टर 1 वीक, तो शेयर में उस चीज को बोला जाता है कि उसने मेरे को गाड़ी क्या कर दी सर, एक तरीके से अलॉट कर दी, क्या कर दी, अलॉट कर दी। अब एक तरीका तो ये हो गया बेसिक सा, अब हम आते हैं इस वाले तरीके पे, इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होगा, ठीक है। अब पहले इसको शेयर के तरीके से समझते हैं, देखो अगर ये मेथड हमें किससे करना है, शेयर वाले तरीके से देखना है। यहां पे अ कंपनी इश्यूड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच लमसम मेथड है आपका, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना जो जो मैं आपको बता रहा हूं, इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से हैं, तो कितना रुपए आए कंपनी के पास, 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 बीइंग कंपनी इश्यूड 1000 शेयर्स ऑफ 10, ठीक है। क्या हुआ, कंपनी के पास पैसा आया, वो कंपनी ने दे दिया, इसमें एंट्री क्या हुई, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों हुई बेटा यहां पे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा एक साथ आ गया, कंपनी ने एप्लीकेशन भरवाई शेयर्स के लिए और हाथों हाथ आपको क्या कर दिए, वो शेयर्स अलॉट भी कर दिए, इसलिए एक सिंगल एंट्री में आपका काम चल गया। जिसको अभी ये थोड़ी सी भी दिक्कत देगी ना, जब ये वाला अगर आऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब लेकिन बेटा कंपनी का ना एक रूल है, अब आप खुद सोचो, यहाँ पे आप खुद ही बता दोगे कंपनी का क्या रूल है। जो बेटा कंपनी के पास ये 10 लाख रुपए आए हैं इस टाइम पे, या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 10,000 रुपए आए हैं, क्या वो पैसा कंपनी का है या शेयर होल्डर्स का है, शेयर होल्डर्स का, इतना समझते हो। तो सर जब वो पैसा शेयर होल्डर्स का है तो कंपनी की वो असेट्स है या कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी है, यहां तक समझ आ गया। तो सर प्रोसेस क्या है, अगली एंट्री के अंदर मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट
बीइंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब सर एज पर कंपनी एक्ट 2013 कोई भी कंपनी शेयर होल्डर का पैसा अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखेगी, उसको उसको अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, शेयर कैपिटल। अब इसके लॉजिक समझो सर, कंपनी के हिसाब से चले तो कंपनी के पास पैसा आया था, उसकी असेट्स क्या हुई थी सर, बढ़ी थी, और असेट्स बढ़ने पे क्या होती है सर, यहाँ पे सर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि जो कंपनी के पास पैसा आया था वो पैसा उसका नहीं था, कंपनी के पास तो आ गया लेकिन सर उसकी क्या बढ़ गई थी यहाँ पे, लायबिलिटी, और सर लायबिलिटी बढ़ने पे क्या हो जाती है, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन सर एज पर कंपनी एक्ट 2013 ये बोला गया था कि ये जो पैसा इसके पास आता है वो अपने बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते, उसके लिए उसको एक अलग से सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, उसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब कंपनी ने क्या करा, जो पैसा उसकी लायबिलिटी किसकी थी, कंपनी की थी ना, वो कंपनी ने लायबिलिटी उठा के किसके अंदर ट्रांसफर कर दी बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो अब ये डेबिट क्रेडिट कैसे हुए भैया, यहां पे लायबिलिटी बढ़ रही थी ना, अब जब वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, और जब लायबिलिटी कम होगी तो सर क्या हो जाएगी, वो डेबिट हो जाएगी। और अब ये लायबिलिटी कहां पे बन गई जाके, शेयर कैपिटल में, ये वाली लायबिलिटी बढ़ गई तो ये क्या हो गया सर, एक तरीके से सॉरी क्रेडिट हो गया, समझ आई। तो सेकंड एंट्री किस लिए करी जाती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए उस अमाउंट को जो कि हमारे पास आया था किसके रूप में, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के रूप में, तो उस अकाउंट को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। दोनों एंट्री क्लियर है भाई सबको, पक्का। अब इससे अगले वाले पे चलते हैं टॉपिक पे। एक हमने पढ़ा था बेटा इसी के अंदर अभी, इंस्टॉलमेंट मेथड। अब सेम क्वेश्चन कराऊंगा, गाड़ी वाला एग्जांपल ही ले लो, ये वाला 10 लाख रुपए वाला, होगा क्या देखना। आपने बेटा एक 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, सबसे पहले आप उसकी क्या करोगे सर, एक डाउन पेमेंट करी आपने कितने की, 2 लाख रुपए की, बाकी कितने बच गए सर आपके पास, 8 लाख रुपए, कितने बच गए बेटा, 8 लाख रुपए। आपने कहा कि भैया एक काम करो, इसकी किस्तें बना दो, बाकी की क्या बना दो, इसकी किस्तें। अब इसकी किस्तें बन जाएंगी, तो देखो जो डाउन पेमेंट है वो तो पहले आएगी। अब इसको ऐसे समझो, यहां तक का क्लियर है ये एग्जांपल, कोई दिक्कत। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को इस वाले मेथड के अंदर समझाऊं तो हुआ क्या, अ कंपनी इशूड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, द अमाउंट एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, 4 और 3 हो गए 7, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, एक रुपया। देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ एक ना प्रोसेस होती है, जैसे गाड़ी लेने की प्रोसेस क्या बताई मैंने आपको, कि आप पहले जाओगे वहां पे, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे कि सर मेरे को ये गाड़ी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जब नई गाड़ी आती है ना तो आपको कहते हैं प्री बुकिंग करा लो, क्या करा लो, प्री बुकिंग। आप गए, आपने जाके कहा भैया मुझे अगले महीने गाड़ी चाहिए थी, मैं एक एप्लीकेशन भर रहा हूँ और आपको एक डाउन पेमेंट देके जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी आप बुक कर दो। आपने बुक करा दी, फिर वो आपको बुलाएंगे कि क्या सर, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हम आपको इस गाड़ी को क्या करेंगे, डिलीवरी देंगे, यानी कि आपको गाड़ी अलॉट कर दी जाएगी। 2 महीने बाद वो दे दिया, सपोज करो 2 लाख के बाद उसे 2 लाख आप और दे आए, तो पहले आपने क्या भरी सर, एप्लीकेशन, उसके बाद क्या करा सर, आपको गाड़ी अलॉट हुई। उसके बाद क्या होगा सर, आपने 2 लाख पहले दिए थे 10 में से, और 2 लाख आप उसको रिसीव करते टाइम दिया है, 4 लाख दिया है, बाकी कितने बच गए सर, 6 लाख। आपने कहा भैया बाकी के जो 6 लाख बचे हैं उसकी क्या बांध देना आप, किस्तें बांध देना। तो वो क्या हो जाती है बेटा, अकाउंटिंग के अंदर उसे बोला जाता है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। लेकिन अब देखो टोटल कितने थे हमारे पास, 10 रुपए थे, 3 रुपए मैंने कब दे दिए, एप्लीकेशन के साथ, 4 रुपए कब दे दिए मैंने उसको, अलॉटमेंट के साथ, 2 रुपए मैंने उसको पहली किस्त में दे दिए, दूसरी कॉल जो थी सेकेंड कॉल थी उसमें कितने रुपए दिए मैंने,
लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब सेकंड लास्ट कॉल है ना, इसके बाद तो कोई पैसा नहीं देना ना, तो जो भी लास्ट कॉल होगी उसके साथ वर्ड यूज होगा फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इसके बाद हमें कोई भी पैसा उसको नहीं देना। यहां तक समझ आ गई कहानी? अब आगे का समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको। इसी क्वेश्चन को देखो, अब देखिए बच्चे, पहले मैंने आपको बताया क्या होगा भाई, एप्लीकेशन जब आप फॉर्म कंपनी को देके आओगे तो कंपनी के पास पहले पैसा आएगा या जाए, क्या होगा बताओ? पैसा आएगा ना, तो वो एंट्री क्या करेगी बेटा कंपनी? यहां पे देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भैया कितने शेयर्स हैं उसके पास? 1000। अमाउंट कितना है सर? एप्लीकेशन पे तो 3 रुपए दे रहा है ना बेटा वो सिर्फ, तो उसके पास अमाउंट कितना आ गया सर यहाँ पे? 3000। आपकी नरेशन बन जाएगी क्या? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था रूल, कि सर जो भी पैसा आएगा ना कंपनी के पास वो अपने पास नहीं रख सकती, उसे हाथों हाथ कहां ट्रांसफर करना होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो अगली एंट्री क्या पास आउट करेगी सर वो यहां पे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 3000, और बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है भाई सबको? एप्लीकेशन के बाद क्या आया बेटा? अब मैं यहां पे ना कुछ समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि तो अगली एंट्री चेंज होने वाली है। क्यों होती है उसका रीजन सुन लो पहले। बेटा आपने पहली डाउन पेमेंट कर दी, आपने कोई किस्त बनवा ली, तो किस किस को ये बताया कि जब हम किस्त बनवा लेते हैं तो किस्त पे करने से पहले हमारे पास ड्यू का मैसेज आ जाता है कि भैया आपकी ये किस्त इस तारीख को ड्यू होने वाली है। सबको पता है, आपने कोई किस्त बनवा ली, आपको बेटा 2 तारीख को मान लो पेमेंट करनी होती है, तो आपके पास 30 तारीख को या 29 तारीख को एक कंपनी से मैसेज आ जाएगा क्या, कि सर आपके अकाउंट में ना ये अमाउंट ड्यू कर दिया है हमने, कि आपने 1 तारीख को इसको पे करना है। ये चीज समझ आ गई? सेम बेटा यहाँ पे तो क्या होता है कि पहले तो हमने बुकिंग कराई थी तो हम पहले पैसे दे के आए, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा, लेकिन इसके बाद की जितनी एंट्री होंगी उसमें ड्यू पहले होगा, पेमेंट कैसे समझो। अब मेरे को क्या करनी है बेटा अगली एंट्री? अलॉटमेंट की करनी है। तो एंट्री क्या बनेगी यहां पे ये देखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। सर कितना अमाउंट है? 1000 रुपए, और अलॉटमेंट कितने का है सर? 4 रुपए का। तो सर कितना आना है मेरे पास? 4000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000। अब नरेशन क्या बनेगी? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अभी अलॉटमेंट क्या हुआ है यहां पे? रिसीव नहीं हुआ, अभी हमने क्या करा है सर उसको यहां पे ड्यू कर दिया कि हमने सामने वाले से 4000 रुपए लेने हैं। तो भैया जब ड्यू कर दिया तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? पे करेगा ना वो, जब पे करेगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो अगली एंट्री क्या बनेगी सर यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, किस चीज का पैसा आ रहा है सर? शेयर अलॉटमेंट 4000। नरेशन क्या बनेगी सर? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कि हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई। अब अगर मैं आपको लॉजिकल सेंस में समझाऊं ना, ये देखो कैसे हुई। सिर्फ अभी अलॉटमेंट वाली एंट्री देखते हैं बेटा। अलॉटमेंट अकाउंट यहां क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है? डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता है सर? एंट्री क्या बची सिर्फ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही मैंने आपको बताया कि जो भी पैसा आएगा ट्रांसफर का करना है उसको कैपिटल अकाउंट में, वही बेटर है ना। लेकिन एक प्रोसेस है कि सर पहले ड्यू होगा और उसके बाद क्या होगा सर वो हमें रिसीव होगा। यहां तक क्लियर?
अब बेटा सिर्फ यहां तक अच्छे से समझ आ गया ना, तो अगली एंट्रीज में कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि बेटा फर्स्ट कॉल की एंट्री कौन सी थी, 2 रुपए से थी ना। एंट्री देखो क्या बनेगी, अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 1000 शेयर्स हैं और 2 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल है, 2000 और 2000। नरेशन क्या बन जाएगी सर, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल क्या कर दी सर हमने, अब ड्यू। अगली एंट्री क्या बनेगी सर, रिसीव हो जाएगी दोबारा से, तो एंट्री क्या कर दूंगा सर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए आए सर, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। यहां तक क्लियर हो गया भाई सबको, ठीक है। अब इसके बाद परी एंट्री क्या करेंगे हम सेकंड कॉल के लिए, कैसे करेंगे एंट्री बताओ, ठीक है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, अपने आप एंट्री बन जाएंगी बेटा, देखो अब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 1000 शेयर्स थे और 1 रुपए की हमारी फाइनल कॉल थी, तो कितने रुपए आने थे मेरे पास, 1000 रुपए। और सर अगली एंट्री में मैं एंट्री करूंगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड और फाइनल कॉल 1000 1000, ठीक है। 90% क्वेश्चंस में यही एंट्री करनी है, जितने भी आने वाले क्वेश्चंस हैं। सिर्फ क्या होगा, ये आपका बेसिक था, इसके बाद इसमें ट्रिक्स खेली जाएंगी सिर्फ कि किसमें कितना आ गया, तो ट्रिक्स बड़ी इजी है। मान लो कैसे मैं आपको बताता हूँ, इजी है चैप्टर। अगर आपको ये बेसिक समझ आ गया ना, एंट्री कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट हुई, बहुत बेसिक तरीके से एंट्री हो जाएंगी। सपोज करो इसी क्वेश्चन में, मेरे को आप खुद बताने की कोशिश करना, बेटा मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट कितने से ड्यू करा है, 4000 से। आपने एंट्री क्या करी सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000। लेकिन मैं कहता हूं 4000 की जगह सिर्फ मेरे पास 3000 ही आए, 1000 उसने नहीं दिए, तो मेरी अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3000। भाई एक नहीं आई ना, वो जो कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन अरियर है उसको भूल जाओ, अभी जिसने पढ़ा हुआ उनके लिए कह रहा हूं। भाई 4000 उससे आने थे, उसने दिए कितने सर मेरे को, सिर्फ 3000, तो मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3000 3000। ऐसी टिक्स खेली जाएंगी इसमें, और कैसी खेली सकते हैं कि सर मैंने 1000 एप्लीकेशन इशू करी थी कि 1000 लोग आएंगे, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई सर, 1200 आ गई, यानी 200 लोगों का पैसा फालतू आ गया। अब उस पैसे को एडजस्ट कैसे करना है, ये एक ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक चैप्टर है, लेकिन जो भी कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, जैसे आज आपको कराए, इसे घर पे जाके ही, कल जैसे आपके पास लेक्चर आता है, इसे कॉपी में राइट डाउन करो, और परसों जब आप आओगे तो मैं आपसे पहले हर चीज का एक लॉजिक पूछूंगा, तो मैंने आपको बताया कि डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, बढ़ा कैसे घटा कैसे, तो ये करके आएंगे। और इस चैप्टर में बेटा ऐसे ही चलेगा, हर एक क्लास में पूछा जाएगा सबसे, क्योंकि इसमें ना बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं नहीं, तो मेरे पास भी टाइम है आपसे पूछने के लिए काफी कुछ, तो इसको ढंग से आप करके आएंगे, ठीक है। ये बेसिक करा दिया आपका, जिसको ये क्लियर हो जाएगा अगली एंट्रीज देखना, आपको एक अगला टॉपिक लेंगे हम, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, ठीक है, उसको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे प्रीमियम और पार के ऊपर, तो अब क्लास कोई मिस ना करे और इसको ढंग से करके आएंगे बस, ठीक है, बता।